कांग्रेस नेता भास्कर ओझा हाथी पर सवार हो गए हैं। वो बसपा के टिकट पर टुंडी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी नेताओं ने पार्टी में ओझा का स्वागत किया है। भास्कर ओझा ने कांग्रेस के टिकट पर 2014 में टुंडी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। पूरे देश की तरह झारखंड में भी कांग्रेस के खिलाफ माहौल है। कांग्रेस नेताओं को अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन होने पर टुंडी विधानसभा सीट कांग्रेस के हिस्से में नहीं आएगी। इसे देख ओझा कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। हालांकि झारखंड में बसपा का कोई प्रभावी जनाधार नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुबल दास ने रविवार को लटानी में भास्कर ओझा के पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। सुबल ने कहा कि शनिवार को बहुजन समाज पार्टी प्रदेश कार्यालय रांची में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भास्कर ने पार्टी की सदस्यता ली। सुबल ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी झारखंड की सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके पूर्व अम्बेडकर क्लब लटानी के युवाओं ने भास्कर ओझा का जोरदार स्वागत किया।